गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का दिन फिर से शुरुआत करते हैं गर्म पानी के साथ, और बड़ों को पैरी पौना, छोटों को बहुत सारा प्यार और नालदयानू बिग पुच्छी। और दिन की शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हमेशा गैलरी में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़कर करती हूँ। तो आई विल शो यू कि आज की इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ क्या है। भारत हर नई तकनीक को सस्ता बना सकता है, मोदी। एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ है, यात्री चलती ट्रेन में भी बुक कर सकेंगे कंफर्म टिकट। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। कब लागू होगी ये मुझे नहीं पता। नई सुविधा के तहत इसमें ट्रेन में AC 1, 2, 3 और स्लीपर में खाली बर्थ की सूचना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम IRCTC की वेबसाइट और संबंधित निजी कंपनी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगी। भगवान ना करे किसी को कानूनी मदद की ज़रूरत पड़े, बट बुज़ुर्गों और महिलाओं को घर बैठे कानूनी मदद, दिस इज़ अमेजिंग। पश्चिमी दिल्ली में रहने वालों, पश्चिमी दिल्ली की 17 सड़कें जल्द सुधरेंगी। अरे वाह वाह, कितने सारे जगहों के नाम हैं। विकासपुरी, तिलक नगर में इन सड़कों की मरम्मत, केशवपुर सब्जी मंडी, तिलक विहार, पेलिकन रोड, अशोक नगर रोड, चौखंडी रोड, ट्रेन पब्लिक स्कूल रोड, KR मंगलम रोड, शहीद राजगुरु मार्ग। तो प्लीज़ आप अपना अपना एरिया देखें और खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्दी जाम, बहुत ही जल्दी टूटी सड़कों से राहत मिलने वाली है। जनकपुरी विधानसभा की ये सड़कें सुधरेंगी। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग, मेजर दीपक त्यागी मार्ग, लाल साइट मार्ग, 60 फुट रोड, पुसंगीपुर रोड, A1 ब्लॉक मेन रोड, ऑपोजिट A1 ब्लॉक में रोड और असालतपुर रोड नंबर 1। पंजाब वालों, आप नाराज़ मत हो, खुश हो जाओ, बिकॉज़ मेरे व्लॉग में आपके लिए भी एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अब इसमें ना अलग अलग लोगों के थॉट्स हैं, मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सबके देखिए अपने अपने ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो मैं इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह मतलब मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लोगों की पॉकेट्स पे थोड़ा सा फ्रेंडली है, सो लेट मी शेयर, बिकॉज हम लोगों को वैसे भी मुफ्त मुफ्त फ्री फ्री चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो लेट जस्ट सी हाउ वी टेक दिस एज। भाइयों और बहनों, ये राशिफल आपके लिए आज का। मेरा कैंसर। आत्मविश्वास तो पूरा रहेगा, परंतु मन में निराशा के भाव भी हो सकते हैं। और कोई नहीं, आपसे बातें करते करते निराशा को आशा में बदल लेंगे। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। यार पढ़ाई तो अब करनी ही नहीं ना, पता नहीं मम्मी पापा ने बड़ी कोशिश करी कि हम अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर लें, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि मैं एक पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। मम्मी, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रही हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ा धन खिसका दो अपने बैंक से मेरे बैंक में, और बाकियों के लिए ये सब। गाइज, सुबह का नाश्ता मैंने क्या किया था, दाल बची थी तो दाल के मैंने आटा गूंध लिया। और ये हम यही करते हैं जनरली, जब दाल बचती है तो हम लोग उसका आटा गूंध लेते हैं, ताकि दो बारी हमें खानी ना पड़े। और मिस्सी रोटी भी वैसे हमें बहुत पसंद है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि दाल ली और उसमें नमक डाला, मिर्च डाली, और क्या कहते हैं, अजवाइन डाल लेते हैं। जिसको हरी मिर्च पसंद है वो हरी मिर्च डाल देता है, जिसको अनियंस पसंद है वो अनियंस, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना देते हैं। फिर उसको गूंद के रख लो। गूंद के रखने के बाद नॉर्मल एक पराठे की शेप में उसे बना लीजिए, या कई लोग रिंकल रोटी बनाते हैं, लच्छा पराठा बनाते हैं, कई लोग स्क्वायर पराठा बनाते हैं। तो मैं सुबह सुबह के लिए जनरली स्क्वायर पराठा बनाती हूँ, लेकिन जब कभी भी दोपहर को या कभी दाल मखनी या ऐसा कुछ बना हुआ जब मेरे हस्बैंड को बहुत मन कर रहा हो, तो उनके लिए लच्छा पराठा बन जाता है। तो अब ये जो पराठा बन गया है, ये को जाएगा अब तवे पे। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, पराठा आप जब आपका तवा गर्म हो जाए, आप एक साइड पे डाल दो और इसको पलट दो। एक मतलब आप आराम से निश्चिंत होकर पराठे को अच्छे से सेक कर बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ऑयल लगा देते हैं जल्दी जल्दी
और उसमें पराठे सेकते हैं, विच इज़ नॉट गुड, उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप अपना पराठा अच्छे से सेक रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं आपको दिखाते हो, ऐसी स्टेज पे पराठे पे ऑयल लगा देते हैं। नहीं, अगर आप बोलो कि नहीं वो क्रिस्प बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको नॉर्मल जब पूरा पक जाएगा ना तब भी दिखाती हूँ, तब भी आप लगा सकते हो, तब भी क्रिस्प बनता है। और गाइज, जैसे अब आपका पराठा इस स्टेज में है ना, जब आपने पलट दिया इस स्टेज पे, तो इस स्टेज पे आप अपने पराठे पे ऑयल लगाएं ताकि आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा और लेस ऑयल कंज्यूम करेगा। और मैं पराठे के एक ही साइड पे ऑयल लगाती हूँ, और देखिए आज भी माशाल्लाह मेरा पराठा बिल्कुल फूल चुका है। अब आप इसको दूसरी तरफ टर्न कर दीजिए और आपका पराठा इज़ रेडी टू ईट। गाइज, जैसे मैं आपको बता रही थी ना इसकी क्रिस्पीनेस, ये देखो ये अभी भी बहुत क्रिस्प है। अम्मो तुम्हें पता है मैंने अभी एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, अम्मो एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है कि मेजॉरिटी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो होती है ना वो विमेन होती है, क्योंकि उनको पास खरीदने की आदत होती है। हाँ, क्यों नहीं। तो गाइज, शाम के बज चुके हैं 6 और जनरली लोगों के घरों में ये चाय का टाइम होता है, लेकिन आज हम प्रेफर कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा, बिकॉज आज गर्मी बहुत है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी। आई डोंट नॉट नो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी टुडे। हाउएवर, वी चोज नॉट टू गो फॉर टी, वी विल टेक रू अफ़ज़ा टुडे। सो रू अफ़ज़ा की कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं है, बट स्टिल हाउ इट इज़, रू अफ़ज़ा लो एक सुंदर से ग्लास में, ताकि आपका मन भी करे इसको पीने का। एंड पता है, रूह अफ़ज़ा जब से मैं पैदा हुई हूँ आई गेस, तब से हम लोग रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, और ना तो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट चेंज हुआ है, ना रूह अफ़ज़ा का जिसको बोलते हैं क्रेज़ चेंज हुआ है। सो दिस हैज़ ऑलवेज बीन। सो विल गिव दिस रूह अफ़ज़ा अ नाइस स्टर, एंड दिस रूह अफ़ज़ा इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। गाइज, मुझे एक बात बताओ, हम लोग जैसे रूह अफ़ज़ा पीते हैं, कुछ लोग हल्दीराम का रोज़ पीते हैं, कुछ लोग खस प्रेफर करते हैं, तो आप लोग क्या क्या प्रेफर करते हो? सो इन माई कॉमेंट सेक्शन प्लीज़। सो दैट, अभी मैं किसी की वीडियो देख रही थी, तो वो लोग, दैट लेडी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, तो दे यूज़ टू ड्रिंक पाकोला, तो दैट्स अ ग्रीन कलर थिंग, और वो दूध में मिलाकर पीते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है तो वहाँ पे पाकोला है, एंड देखने में बहुत टेस्टी लग, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम श्योर वो टेस्टी भी होगा, क्योंकि देखने में ही टेस्टी लग रहा था। एवरीबडी वॉज सो इन्जॉइंग एंड दे वर रिलिशिंग इट लाइक दैट। एंड मैंने यहाँ पे भी पता करने की कोशिश करी इंडिया में कि कहीं पाकोला मिलता है, तो पाकोला नहीं मिला मुझे। प्लीज़ आप बताओ इफ़ यू नो एनी शॉप इन इंडिया और प्रॉबेबली एनी वेयर वेर वी कैन गेट पाकोला। हाय गाइस, टाइम हुआ है रात के 8, तो मैं आपके रूबरू हुई हूँ एक बैड जोक लेकर। तो बैड जोक है, एक पागल खाली पेपर को बार बार चूम रहा था, तो दूसरा पागल बोलता है अबे ये क्या कर रहा है, तो पहला बोलता है यार ये लव लेटर है मेरा, इसलिए बार बार चूम रहा हूँ। तो उसने बोला अरे ये तो खाली है, उसने बोला यार आजकल बोलचाल बंद है। मुझे नहीं पता आपको मेरे बैड जोक्स सुन के आपका खून बढ़ता है या आपका खून खोलता है। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मेरे जोक सुन के आप लोगों का खून बढ़ता है या खोलता है। गाइज, शाम का टाइम है और अब हमें शाम के लिए खाना बनाना है, तो सिंस हमने कल राजमा चावल खाए हैं तो आज हम थोड़ा सा लाइट खाएंगे। आज हम बना रहे हैं मूंगी और मसर की दाल। हम इस दाल को मिक्स करके बनाते हैं जनरली, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज दी सबसे लाइट दाल, मूंगी और मसर की दाल, और बहुत यम बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे बनाना है, एंड दिस इज़ अ वेरी हल्की दाल टू ईट विद। गाइज, अब हमें सिर्फ क्या करना है, दाल को कुकर में डालना है, नमक मिर्च और हल्दी डालनी है, दैट इज़ इट। इस दाल को ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हद मारकर एक सीटी, या डिपेंड आपके कुकर में कितनी जल्दी चीज़ गलती है, तो एक सीटी या फिर हद मार के 2 सीटी। गाइज, दाल हमारी ऐसी अभी बनी है, सिर्फ दाल उबली है,
और अब इसमें तड़का लगेगा। तड़के में मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, चॉप किया हुआ अनियन, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन मतलब हार्डली 4 से 5 क्लोव्स, एंड देन थोड़ा सा अदरक। बस आप इसको हल्का हल्का चॉप करके, लहसुन को चॉप कर और अदरक को उससे ग्रेटर से ग्रेट कर आप इसमें डालो, और जब हल्का हल्का ये ब्राउन होने लगे तो इसमें आप टमेटो डाल दीजिए, टमेटो प्योरे या टमेटो को चॉप करके, जैसे आपको अच्छा लगे। गाइस तड़का बनाने में ना एक बहुत थिन लाइन है, आपको अपने जो प्याज हैं, जो आपके अनियंस हैं, उनको गोल्डन ब्राउन करना है, एंड मेक श्योर कि ऑलमोस्ट सभी गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपको जलाना नहीं है, आपको कच्चा नहीं करना रखना है। दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जलाना, भुनना एंड कच्चा रखना। सो मेक श्योर व्हेन योर अनियंस आर प्रॉपर ब्राउन, एंड दिस इज द टाइम वेयर एन यू वुड बी एडिंग द टमेटोज टू इट। सो जस्ट कीप देम टू फ्राई एंड ऐड टमेटो टू इट। टमेटो प्योरे, मैंने जैसे आपको बताया कि आई मेक टमेटो प्योरी बिकॉज माई हस्बैंड डू नॉट लाइक मोटा मोटा टमेटोज इन दी इधर तड़का और एनीथिंग। सो जस्ट लुक एट इट, इट्स अ वेरी रिच तड़का दैट यू कैन एक्चुअली, एंड तड़का अगेन टू वेज, यू कैन पुट, यू कैन मेक इट इन ऑलिव ऑयल, यू कैन मेक इट इन बटर, यू कैन मेक इट इन देसी घी, द वे यू want to eat it, the way you eat it, and desi ghee would always enhance the taste. Guys look at the tadka, and maine isme wo bhi dal diya, kya kehte hain, halka sa pani dal diya, just halka sa pani, and now this is the time when I will be adding my dal to my tadka. Now that I've added the dal to it, I will give it a stir. You can actually see how beautiful, how rich my dal looks. Now what I'll do is, I'll just let it simmer for like maybe 2 to 3 minutes. Then I will just put a lid over it on my cooker. I would not give it a CT, a whistle. I will just do a pressure on it. सो दैट कि ये जो थोड़ी सी ये खड़ी खड़ी दाल है, ये भी और बिल्कुल पक जाए। एग्जैक्टली, एंड देन आई विल स्प्रिंकल इट विद धनिया, माई दाल विल बी रेडी। सो गाइज इट्स टाइम टू रिवील द फेस ऑफ माई दाल, लेट्स सी कि दाल कैसी है। हम अपनी विसल से, ओके इसकी विसल निकल चुकी है सिंस हमने सिर्फ प्रेशर करा था और इसको हमने दोबारा से सीटी नहीं दिलाई थी। लेट्स जस्ट ओपन इट। So let's just open it. Yeah, that looks too yum. And let me give it a stir. मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था. So देखो guys, that looks very yum. अगर आपको तड़का देसी घी का नहीं लगाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें एटलीस्ट 1 या 2 चम्मच देसी घी डालिए। देसी घी हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर किसी को ये लगता है कि हमें देसी घी खाने से मोटापा आता है या देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो लेट मी टेल यू, कोलेस्ट्रॉल, देसी घी गिव्स यू अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ हाउ यू ईट। आप देसी घी पूरे दिन में 1 चम्मच खाएंगे और आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड टू योर बैड कोलेस्ट्रॉल, वेर इन इट इज़ गोइंग टू ऐड टू योर गुड कोलेस्ट्रॉल। एंड लाइफ की कोई भी एज हो, आप देसी घी अगर खाओगे तो इट्स गोइंग टू बी एन ऐड ऑन। हम जैसे ओल्ड एज लोगों को देखते हैं और देखते हैं दे आर स्टिल यंग एंड फिट, तो हम उनको यही बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अरे इन्होंने पुराना घी खाया हुआ है। सो दिस इज़ रियल फैक्ट, बिकॉज उस टाइम पे जो देसी घी, दूध, दही होता था, दे वर ऑल प्योर। देसी घी आप अपने घर पे बनाइए, मैं आपको किसी दिन उसका भी प्रोसेस बताऊंगी कि हम कैसे देसी घी बनाते हैं, मलाई निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं एंड देसी घी बनाते हैं। सो दैट्स इट, आई थिंक वन शुड ईट देसी घी एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 स्पून इन द एंटायर डे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल गाइस, इट इज़ 11:45 राइट नाउ, इट इज़ द टाइम टू गो टू बेड एंड से बाय बाय एंड विल मीट टुमारो। Please do not forget to subscribe, share, like my video, and please share your feedback in my comment section. Let me know how
कैन आई इम्प्रूव बेटर एंड वॉट ऑल यू वॉन्ट टू सी, आप लोग क्या देखना चाहते हो, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, आप प्लीज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव. थैंक यू.